टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक कार्बन ब्लैक कलर यानी ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के बराबर एक ही फ्रिज है जो कि सैमसंग का है एंड 301 लीटर का है, 2023 का मॉडल है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशली न्यू लॉन्च मॉडल जो कि 2023 का सैमसंग का है और फ्रॉस्ट फ्री मॉडल है, 2 स्टार के अंदर आता है, उसका मैं आज आपको डेमो दूंगा। प्लस ये कन्वर्टेबल भी है और इसमें क्या यूनिक फीचर आता है वो मैं आपको सारा इस डेमो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके ओवरव्यू में अगर देखेंगे तो ये पूरा फ्लैट डोर डिजाइन के साथ है। अगर बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में इसका ये पूरा लेदर कोटिंग, लेदर फिनिश के साथ आता है। बैग जो होता है इसका पूरा का पूरा पैक आता है। फ्रेंड्स, इसका जो बैक होता है पूरा पैक होता है। अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल पहले जो फ्रिज आ रहे थे उनका जो कंप्रेसर का था वो पूरा ओपन होता था, बट इसमें अब ये कंप्रेसर जो होता है इसका क्लोज है। तो अगर देखते हैं तो इसमें क्लोज है, इसमें ये एग्जॉस्ट भी बनाए हुए हैं। अगर साइड से देखेंगे तो साइड में इन्होंने एक एग्जॉस्ट फैन के लिए, एग्जॉस्ट एयर थ्रो के लिए बना रखा है अलग से, ताकि जो कंप्रेसर की हीट हो, तो इसमें ये भी आपका प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं इसके स्टार रेटिंग की। 2 स्टार रेटिंग के अंदर आता है ये। अगर इसकी मैं यूनिट पर ईयर की बात करूं तो यूनिट पर ईयर इसका 273 यूनिट पर ईयर है। अगर हम बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की तो RT34C4522BX मॉडल है, 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। और 2023 में फ्रेंड्स, आप जितने भी फ्रिज आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके नेट कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं। तो इसकी जो नेट कैपेसिटी है 301 लीटर की इसकी नेट कैपेसिटी है। अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्ले की तो इसमें जो ये टेम्परेचर डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इसमें आपको फ्रीजर एंड फ्रिज की, तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो नॉर्मल आपने देखा होगा कि कुछ फ्रिजों में डिस्प्ले आपका अंदर की साइड होता है जहां पे कि आपको फ्रीजर और फ्रिज का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना पड़ता है। बट इस फ्रिज में क्या है, इस फ्रिज में आपको बाहर से ही टेम्परेचर कम ज़्यादा का ऑप्शन दे रखा है। यानी अगर आपको इसमें फ्रीजर का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि आपका -15 से लेकर -23 डिग्री तक जा रहा है। वहीं पे अगर फ्रिज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रिज की बात है 7 डिग्री 5, 3, 2 और 1 डिग्री तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखते हो यहाँ पे फ्रीजर कन्वर्ट का ऑप्शन दे रखा है, यानी इस फ्रीजर को आप फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आपको इस फ्रीजर की नीड नहीं है ज़्यादा, आपको इस फ्रीजर को फ्रिज में यूज़ करना है, तो आप उसको फ्रीजर को फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हो, यानी आपको कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए आपको खाली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3 सेकेंड प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली फ्रीजर टू फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर ये सिस्टम है ऑफ और फ्रिज का भी ऑप्शन है, यानी इस फ्रीजर को अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ भी हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट ये आपका जो फ्रीजर है वो 5-in-1 टेक्नोलॉजी में आता है। यानी 5-in-1 में क्या है, आप फ्रीजर को ऑफ भी कर सकते हो और अगर उस कंडीशन में आपको फ्रिज को ऑफ करना है तो फ्रिज को भी ऑफ कर सकते हो। बिकॉज इसलिए क्योंकि इस फ्रिज के अंदर 2 कूलिंग कॉइल दी गई है, इसीलिए इसको ट्विन कूलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की कूलिंग अलग होती है और नीचे की कूलिंग अलग होती है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक ऑप्शन छोटा सा डेमो दिखाता हूं। अगर मैं इस वाले डोर को क्लोज करता हूं तो इसके नीचे का डोर आप देख रहे हैं, इसके नीचे का डोर ओपन नहीं होता है। वहीं पे अगर मैं नीचे के डोर को ओपन करता हूँ और दोबारा से क्लोज करता हूँ तो ऊपर का डोर ओपन नहीं होता है। मेरा ये मतलब है कि इसमें जो फ्रिज होता है आपका और फ्रीजर होता है उसकी कूलिंग आपस में मिक्स नहीं हो रही है। यानी फ्रीजर की फ्रिज में कूलिंग नहीं आ रही है और फ्रिज की फ्रीजर में कूलिंग नहीं आ रही है। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि ये ड्यूअल कूलिंग में है, यानी इसमें जो कूलिंग कॉइल यूज होती है 2 कूलिंग कॉइल यूज होती है। तो इसमें यही फायदा है कि कन्वर्ट का ये भी फायदा है कि एक समय पे आप एक चीज भी यूज कर सकते हो। वो कब यूज होता ज्यादातर, जैसे आप वैकेशन पे जा रहे हो या फिर हॉलीडे मोड्स लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में ज्यादातर हमारा जो फ्रीजर है या फ्रिज है वो ज्यादातर यूज होता है। और बात करते हैं इसके फ्रीजर भाग की। अब मैं फ्रीजर भाग दिखा देता हूँ आपको। फ्रीजर में जो है आपका एक चिल्लर जोन या फिर आप इसको बोल सकते हैं जेल पैड, कूलिंग जेल पैड इसको बोल सकते हैं। कूलिंग जेल पैड का क्या यूज होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई ऐसी चीज रखी है जो कि मेल्ट होने वाली हो। बात कर रहा था इस जेल पैड की। अच्छा, ये जेल पैड होता क्यों है, जेल पैड आपका इसलिए यूज होता है और फ्रीजर में इसलिए ये दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई यहाँ पे फ्रीजर भाग में कोई ऐसी चीज रखी है जो मेल्ट होने वाली हो या फिर जो खराब होने वाली हो और अचानक से लाइट चले आए और उस प्रोडक्ट्स की जो एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है वो खत्म हो रहा हो,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइट जाने के बाद ये कूलिंग जो जेल पैड है ये उसको सेफ रखता है, यानी जैसे कोई आइसक्रीम है उसको मेल्ट होने नहीं देगा, या फिर कोई फ्रोजन चीज़ें है उसको ये मेल्ट होने नहीं देगा। एक टाइप से ये चीज़ जो है ये उसकी थोड़ी सी लाइफ या टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर बात करते हैं इसके कूलिंग पफिंग की, तो इसका जो कूलिंग पफिंग है ये कूलिंग पफिंग काफ़ी हैवी होता है, और इसमें कंपनी एक आपको आइस ट्विस्टर बॉक्स देती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको यहाँ पर पानी फील करना पड़ता है ऊपर से, या फिर इसको बाहर निकाल सकते हैं आप, और जैसे ही आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो सारी की सारी आइस जो क्यूब्स होगी आपकी इस बॉक्स में आ जाएगी। मूवेबल आइस बॉक्स बोलते हैं इसको, जिसको आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, और इस वाले बॉक्स को आप अलग भी हटा सकते हैं कहीं पे भी। ये इसका ट्विन कूलिंग का फैन दे रखा है जो अलग से इसमें दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसके डोर सेल्फ की, तो डोर सेल्फ में आपके दो सेल्फ आते हैं, एक आपका ऊपर थोड़ा सा चौड़ा आता है, बड़ा आता है, एक थोड़ा सा छोटा आता है, यानी यहाँ पे आप फ्रोजन आइटम्स वगैरह चॉकलेट वगैरह रख सकते हैं। फ्रीजर की बात करेंगे तो फ्रीजर में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपके टोटल तीन सेल्फ आ रहे हैं, एक सेल्फ आपकी जो होती है ऊपर वाली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और एक नीचे वाली सेल्फ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे एडजस्टेबल दे रखा है, ये वाला पोजीशन ये आपका एडजस्टेबल सेल्फ वाला है, ठीक है। और इसमें अगर देखते हैं तो इसमें भी आपका ट्विन कूलिंग का एक अलग से फैन लगाया गया है, और अगर इसकी मैं बात करता हूँ इसमें फिल्टर एक दिया जाता है, डिओडाइजर फिल्टर। ये क्या करता है, ये एक टाइप से जो आप सामान ऐसा रखते हैं जो कि मिक्स मैच होता है, जैसे कि आपका चिकन हो गया एक जगह में, एक जगह में आपका सब्जी वगैरह हो गया, एक जगह में आपकी मिठाई होगी, तो उसमें क्या करता है ये बैक्टीरिया को या फिर स्मेल को वहाँ पे होने नहीं देता है, यानी ये 99% तक बैक्टीरिया को डिएक्टिवेट करता है और स्मेल को रोकता है। अगर मैं बात करूँ इसके लाइट की, तो इसमें फ्रीजर में एक लाइट ऑप्शन दिया जाता है, LED लाइट्स, तो यानी इसमें LED लाइट्स भी है। वेजिटेबल की बात करेंगे तो वेजिटेबल भी काफ़ी बड़ा वेजिटेबल है, बिग वेजिटेबल है, और पूरा पूरा वेवियस प्लास्टिक का वेजिटेबल है, स्मूथली ये मूविंग होता है, आप इसको निकालेंगे तो ये स्मूथली मूविंग होता है, ठीक है, ये चीज़ दिया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ आपके रैक की, तो तीन तो रैक दिए गए हैं, और जो रैक है आपकी वो टफ एंड ग्लास रैक है, यानी इसमें 100% टफ एंड ग्लास है। आप इस रैक में अगर वजन रखते हैं तो कम से कम ये 175 kg तक टेस्टेड रहता है, ठीक है। अब हम इसके डोर की बात करेंगे तो जो डोर में सेल्फ आ रहे हैं, इसके टोटल तीन सेल्फ आ रहे हैं, दो तो एग वाले आ रहे हैं, यानी एक दर्जन के बराबर आप इसमें एग रख सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो ऊपर छोटी सी सेल्फ दे रखी है जिसमें कि आप जैसे फ्रोजन आइटम हो गया वो चीज़ रख सकते हैं, और नीचे आपकी 2 लीटर की बोतलें आ जाएगी आराम से, और 1 लीटर की बोतल भी आ जाएगी। उसके लिए आपको ये वाला जो पोजिशन है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एडजस्टेबल दे रखा है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी जो गैसकेट होती है एंटीबैक्टीरियल गैसकेट होती है, आप इसको निकाल के रिमूव करके वापस लगा सकते हैं, यानी ये रिमूवेबल गैसकेट है, इसको क्लीन भी कर सकते हैं आप। एडिशनल फीचर की बात करेंगे तो एडिशनल फीचर में आपका क्या दे रखा है, इन्होंने बताया हुआ है कि ये कनेक्ट इन्वर्टर, यानी आप इसको घर के इन्वर्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी होम इन्वर्टर से। अगर लाइट चली आती है और उस कंडीशन में फ्रिज में कुछ ऐसे सामान है जो खराब होने वाले होते हैं, तो उस कंडीशन में आप तुरंत ही इसको आप अपने घर के होम इन्वर्टर से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग करता है, 2 CFL के बराबर बिजली लेता है। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन दे रखा है कंपनी ने इसमें, क्योंकि इसकी जो फ्लक्चुएशन रेंज है वो 100 से 300 वोल्ट तक की फ्लक्चुएशन रेंज है। बात करते हैं इसकी रियलिबिलिटी की, जो इसका टेस्टेड होता है कंप्रेसर वो VDA के द्वारा टेस्टेड होता है, जो कि आपका 21 साल का होता है। अब बात करेंगे इसके कंप्रेसर की, तो जो इसका कंप्रेसर होता है वो आपका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है आपका वेरिएबल्स पर चलता है और बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग करता है। बात करता हूँ मैं इसके कंप्रेसर की वारंटी की, तो कंपनी इसमें 20 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है एंड 1 ईयर की टोटल देती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 301 लीटर जो कि सैमसंग का है, न्यू लेटेस्ट है, 2023 का मॉडल है। अगर आपको इस फ्रिज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये नया फ्रिज आया था तो इसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।